लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आती है तो उसके द्वारा हर साल मुख्यमंत्री बदला जाएगा। इसके साथ प्रतिवर्ष 5 नए उप मुख्यमंत्रियों को भी मौका मिलेगा। ये जानकारी पार्टी जिला अध्यक्ष ने दी। इस वक्त हम मथुरा के राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के एक पदाधिकारियों के साथ मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के पदाधिकारियों ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि इनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार सैनी, उनके द्वारा आगामी चुनावों को देखते हुए क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसके बारे में आज उन्होंने प्रेस के माध्यम से यहाँ जानकारी दी। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं रमेश सैनी जो कि राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के जो अध्यक्ष हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के। सैनी जी, बताएं क्या आयोजन है आपकी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, क्या आगे कार्यक्रम किए जा रहे हैं? देखिए, माननीय राजकुमार सैनी जी सुप्रीमो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज 26 सितंबर 2021 से मुरादाबाद से भारतीय महागठबंधन एकता यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जो कि ये यात्रा मुरादाबाद से चल करके अलीगढ़ हाथरस होते हुए 30 सितंबर को मथुरा में प्रवेश करेगी दोपहर 12 बजे। और ये राया वृंदावन, बिरला मंदिर, मसानी रोड, छटीगरा और राल, राधाकुंड, गोवर्धन अड़िंग, गोवर्धन चौराहे, कृष्णा नगर, सौंक रोड और ट्रांसवेप होते हुए आगरा को प्रस्थान करेगी। जो यात्रा महागठबंधन यात्रा बताइए आपने, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों निकाली जा रही है? देखिए, इसका उद्देश्य ये है 2022 के चुनाव को लेकर के और जो पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों में को जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो भागीदारी उन लोगों को नहीं मिली है और असमानता ज़्यादा है, और एकता करने के लिए इसलिए एकता का नाम रखा गया है एकता यात्रा, और सब में एकता यात्रा और एक माला में परोने का काम किया जाएगा और सभी को एक साथ लेकर के हम आगे चलेंगे। 2022 के चुनाव को लेकर क्या एजेंडा है आपके इस गठबंधन? देखिए, 2022 के चुनाव को लेकर के अभी जो आगामी जैसे चुनाव आगे चलेगा उसी तरीके से जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं वो इसमें जो भी संयुक्त रूप से जो भी 40-50 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसको तय करेंगे आगे हमें किस रूप में ले जाना है या करके वो सारी चीज़ें। जनता आपको मौका देती है आपके महागठबंधन को बता रहे हैं जितने 30-40 गठबंधन में शामिल हो रहे हैं पार्टियाँ, तो फिर आगे उसकी क्या रूपरेखा रहेगी प्रदेश में, किस तरह का स्वरूप निकल के आएगा, क्यों इतने सारे दल हैं तो उन सबकी अपनी अपनी भागीदारी की इच्छा होगी? देखिए, इसमें 5 साल में 5 मुख्यमंत्री हमारा मुख्य एजेंडा है इसमें, और 25 उप मुख्यमंत्री जो कि अलग अलग समाज से आएंगे इसमें, इन सबकी भागीदारी जो उपेक्षित हैं अन्य पार्टियों में उपेक्षित रही हैं जो समाज हैं उनको भागीदारी देने के लिए ये भारतीय महागठबंधन जो तैयार किया गया है। हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंदय पार्टी के भी जिलाध्यक्ष मौजूद हैं राजवीर सिंह, आइए उनसे जानते हैं। राजवीर सिंह जी, जो ये आगामी जो गठबंधन तैयार हुआ है उसमें आपकी पार्टी की क्या भागीदारी रहेगी, उनका क्या सहयोग रहेगा? हमारी पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा, हम लोग सभी मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सब मिलजुल करके अपनी सरकार बनाएं। जो ये भारतीय झूठ पार्टी जो बीजेपी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे इसको उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकें, क्योंकि इससे लोग इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, गरीब लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, और जैसे कि तेल है वो 200 रुपये कर दिया है, पेट्रोल है वो 100 से पार है, डीजल भी जो है सीमा पार है, उसने भी जो है महंगाई बहुत बढ़ा रखी है, लोग बहुत परेशान हैं। ये लोगों ने, जनता ने मन बना रखा है, मूड बना लिया है, अब के भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। योगी जी तय है कि 2022 में जा रहे हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश को छोड़ के, इसी की तैयारी हो रही है ये सब। वो अपना जो है एक सम्मेलन हम कर रहे हैं, हम और लोगों को सबको जोड़ रहे हैं, जितने हमारे साथ जुड़ के आएंगे मिल के आएंगे हम उनको जो है उनके साथ रहेंगे। आपने सुना, आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने जो प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि आज उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी वो आज 26 तारीख को एक यात्रा शुरू कर रहे हैं जो 5वें दिन मथुरा में पहुंचेगी और मथुरा के जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं मथुरा और गोवर्धन उनमें भ्रमण कर फिर यहाँ से आगरा को प्रस्थान करेगी। और जिलाध्यक्ष रमेश सैनी ने जैसा उसके एजेंडे के बारे में बताया कि
जिस तरह का ये जो गठबंधन तैयार किया है, तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या भाजपा, इन्होंने इसकी नींव डाली। कांग्रेस ने यूपीए बनाया तो भाजपा ने एनडीए बनाया, तो उसी से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर अब जो प्रदेश स्तर पर छोटी पार्टियां हैं उन्होंने गठबंधन बनाया और ये एक नए तरह का गठबंधन सामने आ रहा है जिसको महागठबंधन नाम दिया है। और उन्होंने जैसा बताया है कि 30-40 छोटे छोटे घटक दल हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और लीग से अलग हट के इनका जो एजेंडा जैसा बताया है कि अगर सरकार में आते हैं ये गठबंधन, जनता इन्हें बहुमत देती है और विश्वास देकर इनको सौंपती है उत्तर प्रदेश की कमान, तो इन्होंने बताया कि 5 मुख्यमंत्री बनेंगे 5 साल में, यानी हर एक साल में एक एक मुख्यमंत्री होगा और 5 साल में 25 उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी एक साल में एक मुख्यमंत्री और 5 उसके सहयोगी रूप में उप मुख्यमंत्री होंगे। और जैसा रमेश जी ने बताया कि वो हर एक ही जाति से होंगे अलग अलग, जिनको समाज में उपेक्षित रहे, अभी उन्हें आगे आने का अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला, तो उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये एक नए तरह का प्रयोग कर रहे हैं राजनीति में कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होंगे और 25 उप मुख्यमंत्री होंगे। तो इसी को लेकर ये आगे अब राजनीति के इसमें कूद रहे हैं और 2022 में आगे देखते हैं कि इनका गठबंधन जनता के बीच कितनी अपनी पैठ बना पाता है और जिन उम्मीदों के सहारे चल रहे हैं उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, ये आने वाला चुनाव तय करेगा। बहरहाल अपनी तैयारियों में जुट गए और इसी उद्देश्य से इनकी ये यात्रा निकाली जा रही है जो मथुरा में आएगी और उसी की एक भव्य स्वागत और उसको सफल बनाने की तैयारी में ये सभी लोग जुटे हुए हैं। जी 9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ।